वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इंजीनियर अमित रतन, MLA बठिंडा देहाती, स्पष्ट करना चाहना है कि जिन्हां नाम यह मीडिया के आ रहा, सोशल मीडिया आ रहा है रशम गर्ग, ये मेरे PA नहीं है। मेरा PA रणवीर सिंह है। ये सियासी पार्टियां ते दी कोशिश है बदनाम करन दी आम आदमी पार्टी की सरकार नू। मेरा इन्हां नाल कोई लेन देन नहीं और निरपक्ष जांच होनी चाहिए है पुलिस प्रशासन वालों इस मामले ते। और जिहड़ी आम आदमी पार्टी ने साडे CM साहब भगवंत मान जी ने जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी बनाई है, असी उस ते पहरा दिंदे हां और नाल खड़े हैं। और यह सियासी पार्टियां बदनाम करने की कोशिश कर रही ने, और यही कहता होया बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इंजीनियर अमित रतन, MLA बठिंडा देहाती, स्पष्ट करना चाहना है कि जिन्हां नाम यह मीडिया के आ रहा, सोशल मीडिया आ रहा है रशम गर्ग, ये मेरे PA नहीं है। मेरा PA रणवीर सिंह है। ये सियासी पार्टियां ते दी कोशिश है बदनाम करन दी आम आदमी पार्टी की सरकार नू। मेरा इन्हां नाल कोई लेन देन नहीं और निरपक्ष जांच होनी चाहिए है पुलिस प्रशासन वालों इस मामले ते। और जिहड़ी आम आदमी पार्टी ने साडे CM साहब भगवंत मान जी ने जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी बनाई है, असी उस ते पहरा दिंदे हां और नाल खड़े हैं। और यह सियासी पार्टियां बदनाम करने की कोशिश कर रही ने, और यही कहता होया बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इंजीनियर अमित रतन, MLA बठिंडा देहाती, स्पष्ट करना चाहना है कि जिन्हां नाम यह मीडिया के आ रहा, सोशल मीडिया आ रहा है रशम गर्ग, ये मेरे PA नहीं ने। मेरा PA रणवीर सिंह है। ये सियासी पार्टियां ते दी कोशिश है बदनाम करन दी आम आदमी पार्टी की सरकार नू। मेरा इन्हां नाल कोई लेन देन नहीं और निरपक्ष जांच होनी चाहिए है पुलिस प्रशासन वालों इस मामले ते। और जिहड़ी आम आदमी पार्टी ने साडे CM साहब भगवंत मान जी ने जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी बनाई है, असी उस ते पहरा दिंदे हां और नाल खड़े हैं। और यह सियासी पार्टियां बदनाम करने की कोशिश कर रही ने, और यही कहता होया बहुत बहुत धन्यवाद।